रामचरितमानस में आप लोगों को क्या सबक सीखना चाहिए? देखिए, महत्वपूर्ण सबक रामचरितमानस से युवा पीढ़ी सीख सकती है। आज की युवा पीढ़ी यदि पीछे है तो मर्यादा और संस्कार में, जो कि रामचरितमानस में कूट कूट के भरा है। अगर मर्यादा की बात करें तो आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, पार्क पे चले जाइए, हर जगह आपको युवा पीढ़ी मर्यादा में पीछे दिखेगी। और छोटे बच्चे हों या युवा पुरुष हों, वो खुलेआम ऐसे हमारे अर्मार्जित कृत्य करते हैं जो शोभा नहीं देते। और दूसरी बात, संस्कार की यदि बात करें तो छोटा बड़े का सम्मान करने से कतरा रहा है, कोई अगर दिख जाए तो प्रणाम करने में भी युवा पीढ़ी सोचने लग गई है। तो अगर दो बातें कूट कूट के भरी हैं, राम जी ने कभी भी संस्कार से और मर्यादा से कोई अलग कार्य नहीं किया, तो पहली सीख मर्यादा और संस्कार की है। दूसरी बात, आप देखिए आध्यात्मिक विचारधारा, राम जी जिनको राज्याभिषेक मिलने वाला था और तुरंत वनवास मिल गया, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज का बच्चा यदि एक क्लास में भी फेल हो जाए तो कई बार आत्महत्या कर लेता है। तो आध्यात्मिक विचारधारा जब तक आपकी नहीं पुष्ट होगी तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन का शिकार इसीलिए आज का युवा पीढ़ी हो जा रहा है। तीसरी बात, राम जी से हम ये भी सीख सकते हैं कि मदद करोगे तो प्रकृति मदद आपको वापस पलट के करेगी ही, किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ सदैव अच्छा होगा। राम जी वनवास में भी थे तो सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया, उनका सहयोग पहले किया, बाद में सहयोग उन्होंने किया। और उन्होंने ही क्यों, समुद्र ने तक रास्ता दे दिया, पत्थर तक तैरने लग गए, अर्थात प्रकृति भी आपकी मदद करने लगेगी यदि आप दूसरों की मदद करेंगे। एक सबक यह भी रामचरितमानस से मिल सकता है, विश्वास करना सीखिए और विश्वास जीतना सीखिए। सोचिए विभीषण किस विश्वास के साथ राम जी के पास आया होगा कि शत्रु के पास जा रहा हूं, हो सकता है हमें मार ही ना दे, और सारी बानर सेना में हनुमान जी को छोड़कर सबने यही कहा कि मायावी है, इसको मार दो, ये षड्यंत्र करने आया है, ये भेद लेने आया है। लेकिन राम जी ने कितने खुले मन से विभीषण पर विश्वास किया, और विश्वास ही नहीं किया, जिस विश्वास से विभीषण आया था अपने भाई को छोड़कर, एक बार की घटना है कि लक्ष्मण जी मूर्छित थे, तब भी राम जी ने बोला कि लक्ष्मण को कुछ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये विभीषण मेरे विश्वास पे आया है, इसके लिए तो मैं युद्ध करूंगा ही करूंगा और रावण को पराजित करूंगा। तो कितनी ऐसी बातें हैं रामचरितमानस में जो सबक ली जा सकती है। एक और अंतिम बात रामचरितमानस की बताऊंगा, जो शुक सहारण ने कही, अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कर रहा हो, माने भगवान का प्रभाव ऐसा था कि वो सारे संसार के मालिक थे, लेकिन स्वभाव इतना कोमल था कि किसी वानर भालू को भी अपने बगल में बिठा लेते थे। आज का व्यक्ति थोड़ा सा प्रभाव पा जाता है, पद पा जाता है, तो अपने लोगों को भूल जाता है, उनके सामने अभिमान करने लग जाता है। भगवान से सीखिए कि सारे संसार के मालिक होने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, छोटे से छोटे को भी उन्होंने गले लगाया। छोटी छोटी बातें रामचरितमानस की जो मनुष्य की पर्सनालिटी को, उसके जीवन को बदल सकती है।